तो नमस्कार, इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। उन स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। दीपक नाइट्राइट की अगर हम बात करें, कल के दिन इन स्टॉक में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर आप वैसे रफली देखोगे तो आपको लगभग 0.5% के आसपास तेजी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखोगे शुरुआत के टाइम से, क्योंकि आपको पता है जब इस स्टॉक की ओपनिंग हुआ था बहुत बड़े गैप डाउन हमें ओपन करते देखने को मिला था, लगभग आप बोल सकते हो 1944 के आसपास, मतलब 4-5% के आसपास हमें एक गैप डाउन ओपन करते देखने को मिला था ये स्टॉक। उसके बाद कंसिस्टेंसी हमें स्टॉक में बहुत ही शानदार बाइंग देखने को मिला था, जितना मतलब कोई सोच भी नहीं रहा था कि इस स्टॉक में बाइंग आ सकता है, हमें उससे भी ज़्यादा स्टॉक में शानदार बाइंग देखने को मिला। और इसके पीछे का रीज़न की अगर हम बात करें, जो स्टॉक में आपको बाइंग देखने को मिला इसके पीछे का रीज़न कुछ और है, और स्टॉक में जो आपको गिरावट देखने को मिला था यानी कि जो गैप डाउन आपको देखने को मिला था उसके पीछे का रीज़न भी कुछ और है। जो कल के दिन हर कोई मान के चल रहे थे कि दीपक नाइट्राइट में बहुत ही शानदार गिरावट हो सकता है, क्योंकि थर्सडे के दिन आफ्टर मार्केट बाजार क्लोज होने के बाद इस कंपनी के हमें Q1 के नंबर देखने को मिला था। और अगर हम नंबर की बात करें तो दोस्तों नंबर कंपनी ने जितना सोच रहे थे, मतलब इन्वेस्टर सोच रहे थे, हर कोई सोच रहा था, फिर जितना बाजार उम्मीद लगा के बैठे थे उससे भी ख़राब नंबर कंपनी प्रेजेंट करते देखने को मिला इस बार। क्योंकि अगर हम याली बात करें तो ऑब्वियसली हर किसी को पता था याली कंपनी तो अपने नंबर को बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाएगा, मतलब वो इस प्रकार के नंबर बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस बात करें उसमें भी कंपनी के नेट इनकम में बहुत बड़े हमें डाउनफॉल देखने को मिला, जिनके चलते कंपनी के जो ओवरऑल नंबर है, चाहे अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें चाहे कंपनी के हम नेट प्रॉफिट की बात करें, 235 करोड़ के नेट प्रॉफिट जो कि 150 करोड़ तक जा चुका है, और पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट था 234 करोड़ जो कि डिक्रीज होकर 150 करोड़, सेम उसी के रिफ्लेक्ट दोस्तों मतलब 10 के आसपास कंपनी के हमें EPS जाते देखने को मिला। तो ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें, हमारे हिसाब से भी, बड़े इन्वेस्टर के हिसाब से भी और बाजार के हिसाब से भी दीपक नाइट्राइट ने इस बार Q1 के नंबर बहुत ही ख़राब नंबर हमें प्रेजेंट करते देखने को मिला, जिनके चलते हर किसी को पता था कि फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन स्टॉक की जो ओपनिंग रहेगा वो गैप डाउन ही होने वाला है और एक अच्छे खासे गिरावट हो सकता है। उसके हिसाब से छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा तो मतलब 4-4.5% के आसपास हमें गैप डाउन देखने को मिला, एक अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद निचले स्तर से हमें एक शानदार बाइंग भी देखने को मिला। लेकिन ये जो शानदार आपको बाइंग देखने को मिला, सो इसके पीछे का रीज़न की बात करें तो मैनेजमेंट की कुछ पॉजिटिव कमेंट्री, जो कि चूँकि कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट को लेके उन्होंने कुछ गाइडेंस मतलब कुछ अपडेट करते हुए आपको देखने को मिला, जो कि एज ए इन्वेस्टर आपके लिए तो ये मतलब पॉजिटिव न्यूज तो ज़रूर है। सो अगर हम बात करें कंपनी, आपको पता है अलग अलग टाइप के हमें कैपेक्स करते हुए देखने को मिल जाता है। सो हाल ही में कंपनी कैपेक्स किए थे फोटो हेलोजन की अगर हम बात करें और हेलिक्स प्लांट की बात करें, सो हाल ही में आपको पता है इसके चलते कंपनी एक अच्छे खासे कैपेक्स किया। सो वो पूरी तरह से आप बोल सकते हो दिस ईयर हाफ तक, इस फाइनेंशियल ईयर हाफ तक ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाएगा। साथ साथ कंपनी की जो एसेट प्लान है, ये प्रोजेक्ट, ये भी दोस्तों आपको ये इस फाइनेंशियल ईयर में सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करते देखने को मिलेगी, यानी कि कंपनी के जो भी दो तीन प्रोजेक्ट है तो वो इसी क्वार्टर मतलब इसी साल में फाइनेंशियल 2024 में आपको पूरी तरह से कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाएगा। इस मीन आप ऐसा बोल सकते हो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इन सेगमेंट से या फिर इस प्लान से कंपनी को एक अच्छे खासे इनकम भी आपको जनरेट होते देखने को मिल जाएगा, जिनके चलते ये उम्मीद लगा के चल रहे कुछ बड़े इन्वेस्टर कि आने वाले जो कंपनी के 4K नंबर रहेंगे, क्वार्टर 3 के नहीं दोस्तों, नेक्स्ट क्वार्टर और उसके बाद के जो नेक्स्ट क्वार्टर रहेंगे क्वार्टर 4 के, उनमें कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर एक अच्छे खासे आ सकता है डिसेंट, जिनके चलते हमें अभी से कल के दिन एक अच्छे खासे हमें स्टॉक में निचले स्तर से हमें एक बाइंग देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी ने और भी कुछ पॉइंट मेंशन किया जो कि एज अ इन्वेस्टर ये दोस्तों यही सारी चीज़ें काम किया है, बाकी स्टॉक प्राइस 2000 के कभी 2100 पे जाएगा फिर 1900 पे आएगा, ये तो अपस एंड डाउन चलते रहते हैं, आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना आना चाहिए। सो जैसे कि कंपनी के अभी लेटेस्ट की बात करें तो 30+ हमें कंपनी के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, 56+ कंपनी के एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं और 1000+ कंपनी के बहुत ही शानदार क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। सो सारी चीज़ों को जोड़ के अगर देखा जाए आपको पता है दीपक नाइट्राइट लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही शानदार एक बहुत ही डिसेंट कंपनी है।
सो इस कंपनी की अगर हम बात करें, पिछले 5 सालों में स्टॉक ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया, 600% की रिटर्न। नो डाउट जिन्होंने हाल ही में स्टॉक को तेज देख कर टॉप पे खरीदा, किसी ने 3000 पे, किसी ने 2500 या किसी ने 2200-2300 के आसपास, सिर्फ उन्हीं को ये प्रॉब्लम हो रहा है जो पुराने शेयर होल्डर हैं इनके, 3 साल 4 साल पुराने, उनके पास तो अभी भी स्टॉक टॉप लेवल से 30% गिरावट होने के बाद भी अभी भी वो शानदार प्रॉफिट में बैठे हुए। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अच्छे स्टॉक में जाते हो तो कोशिश करना 3 से 5 साल टाइम दोगे, तो उससे बाद अगर उन स्टॉक में भूकंप भी आ जाए या बाजार में भूकंप भी आ जाए, तब भी अल्टीमेटली आप शानदार प्रॉफिट में रहोगे और आपके पास बहुत ही शानदार चॉइस होगा कि इन स्टॉक में बने रहना है या फिर प्रॉफिट लेके निकल जाना है। सो इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने स्टॉक को टॉप पे खरीदा तो इतने शानदार कॉमेंट्री के बाद आप चाहो तो ऐसे लेवल पे आप जरूर स्टॉक को और भी एवरेज करने के बारे में, या फिर जो खास करके फ्रेज बायर है, नंबर आ चुका है, नंबर खराब ही आने वाले, बाजार के हिसाब से भी खराब है, तब भी मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर ये कंपनी आपको अच्छी लगती है, इसके बिजनेस मॉडल अच्छे लगते हैं और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हो, तो आप 2000 के लेवल पे जरूर एटलीस्ट एक स्टॉल में आप लॉन्ग टाइम के लिए ज़रूर बाय करके चल सकते हो, क्योंकि ये जो 2000 के लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जब भी इसके नीचे जाता है तब भी बाइंग आ जाता है। इस बार भी कल ही नीचे गए दोस्तों और कल ही हमें शानदार बाइंग देखने को मिला और फिर से स्टॉक अपना 2000 के लेवल को अचीव करते देखने को मिला। तो मैं देखो फोर्स ऐसा नहीं कि उसने 2000 को ब्रेक कर दे, अचीव कर दे कल के दिन, अभी ये कभी ब्रेक नहीं होगा, नीचे होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर बाजार में करेक्शन आ जाए तो ये स्टॉक आपको 1700-1800 भी दोबारा मिल सकता है, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम का है तो ये 30% गिरावट में ऐसे स्टॉक को जरूर आप थोड़े थोड़े ऐड करने के बारे में जरूर विचार कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी एक डिसेंट कंपनी है, बहुत ही वेल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस वाली ये कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस इसके क्लाइंट बेस देखने को मिल जाता है। बिजनेस मॉडल की भी बात करें तो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी के बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, और ये कोई आज की लिस्टिंग नहीं है, 1995 के दोस्तों ये लिस्टिंग है। इसके बीच में कंपनी ने कितने बार मल्टीप्लाई ऐसे करेक्शन दिखाया, अगर आप इस पर कैलकुलेट करोगे तो ये चीज़ें चलती रहती है। अभी 1-1.5 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर से अपने ये पुराना लेवल ब्रेक करेगा, 4000 जाएगा, 5000 जाएगा, 6000 भी जाएगा। तो इतने कहना चाहूँगा, अगर आपका विजन वाकई लॉन्ग टाइम का है तो दीपक नाइट्रेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये खराब स्टॉक आपके पास नहीं है, आप जरूर कंटिन्यू करके चल सकते हो। और फेज बायर हो तो इस नंबर को भी देख के आप चाहो तो एटलीस्ट एक स्टॉल में इस लेवल पे जरूर लगा के चल सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में कल के दिन भी बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला, लगभग 3-3.5% की, ये तो रफली मैं बात कर रहा हूँ, बीच में आपको पता ये स्टॉक लगभग 6-6.5% के दमदार तेजी दिखाया था, और 5-5 दिन के बाद क्या तो 13% की तेजी। और इसके पीछे का रीज़न भी हर किसी को पता है, कंपनी जो गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, इनके चलते कुछ कंपनी हैं जो कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी नेट वेब की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर 17% के शानदार तेजी दिखाते देखने को मिला। और इसके रिलेटेड मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, अगर हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिया के नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ये मैन्युफैक्चर करने वाली है कंपनी, मतलब लिस्टिंग हिसाब से बात करें तो एक लीडिंग कंपनी है। तो अगर आपके पास है ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजी कंपनी, अगर आप 1-1 साल के परफॉर्मेंस देखोगे तो अप्स एंड डाउन तो जरूर आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसने 4000 को ब्रेक कर दिया, ये कभी 4000 को फिर से नीचे ब्रेक नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली अगर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, हो सकता है स्टॉक बाजार में करेक्शन आए और स्टॉक दोबारा से 3500 पे आ जाए, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें, लॉन्ग टाइम में ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी तक के हिसाब से बात करें तो 820% की रिटर्न, ये तो देखने में आपको 820% लगेगा, जिनके पास पुराने टाइम के हैं उनके सीएच भी दोस्तों 5 गुना हो चुके हैं। तो इतना कहना चाहूँगा, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि यहाँ से भी आपको ये 700-800% रिटर्न बना के दे। तो और आपके पास है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी ज़्यादा मोबाइल यूज़र इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक शानदार आपको बिजनेस ये भी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाएगा। सो है आपके पास, देखो अप्स एंड डाउन चलता रहेगा, पहले ये स्टॉक टॉप लेवल से 60% गिरा था, अभी देखोगे तो 20-25% देखने को मिलेगा, कुछ दिन बाद हो सकता 30 और कम बैक करे, 5000 जाएगा, फिर अपना पुराना लेवल को ब्रेक करेगा, फिर ये स्टॉक 10000 जाने के लिए भी रेडी है। तो इतना कहना चाहूँगा, 1-2 दिन में नहीं जाएगा, अप्स एंड डाउन जरूर आएगा उसके बीच में। इतना कहना चाहूँगा, है आपके पास डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, अगर आपने टॉप पे खरीदा तो प्लीज़ लॉस में मत बेचना, लॉस में बेचने वाली कंपनी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। देन आखिरी स्टॉक है हमारा SRF लिमिटेड, इन स्टॉक को भी मैं मल्टीप्लायर टाइम कवर कर चुका हूँ, एक ऐसा स्टॉक है और दोस्तों और एक दूसरा पीडीलाइट, ये दोनों एक ऐसे स्टॉक है, इतने बड़े साइज की कंपनी बन चुका है केमिकल इंडस्ट्री में, ऐसे स्टॉक को आप नंबर देखे भी ना भी, मैं अभी नहीं नंबर आने से पहले जब ये स्टॉक 2150 पे थे तभी मैं सेम चीज़ें बोल चुका हूँ कि ऐसे स्टॉक को आप नंबर देखे भी ना भी आप स्टॉक को एक स्टॉल में ज़रूर लगा के चल सकते हो। सो ये स्टॉक अपने टॉप लेवल से एक मस्त डिस्काउंट में, 25% के डिस्काउंट में, तो आप चाहो अभी भी दोस्तों मतलब मौका आपसे छूटा नहीं, आप अगर आप लॉन्ग टाइम हो तो ज़रूर आप इस स्टॉक को इस लेवल पे भी
ज़रूर आप क्रेज बाय करके चल सकते हो। बस आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 2250 पे स्टॉक को खरीदा और कल के दिन 2200 पे आ जाए, 2100 पे आ जाए, आने के लिए 2000 पे भी आ सकता है अगर बाजार में प्रेशर आता है तो। तब भी आपको बस एवरेज करने की हिम्मत होना चाहिए और एवरेज करने की कैपिटल होना चाहिए। तो आप ज़रूर आप इस लेवल से भी स्टॉक को फ्रेज बाइंग करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि कंपनी बिजनेस वाइज बहुत ही फैंटास्टिक है और बहुत ही कमाल के मैनेजमेंट वाली ये कंपनी है। देन आखिरी स्टॉक है हमारा इरिस क्लॉथिंग लिमिटेड की बात करें। फ्राइडे के दिन स्टॉक में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला है, लगभग 1-1.5% की तेजी। इस कंपनी की बात करें, हाल ही में ये कंपनी बाजार में लिस्टेड हुआ 2021 में, तब से लेकर अभी तक बहुत ही शानदार इसने परफॉर्मेंस दिखा है, लगभग 266% की रिटर्न। साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने और एक शानदार अनाउंसमेंट किया जो कि 1:5 के मतलब अनाउंसमेंट। तो जिनके पास ये स्टॉक है उनके तो लॉटरी लग चुका है, जिनके पास है नहीं ब्लैंड ये स्प्लिट के जल्दी स्टॉक को खरीदारी मत करना, अच्छे स्टॉक के साथ रहोगे। जो स्टॉक मैंने अभी आपको कवर किया उनमें भी आपको फ्यूचर में ऐसे कॉर्पोरेशन देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते।